कांग्रेस को फिर बड़ा झटका। एक साथ 64 नेताओं का इस्तीफा। क्या गर्दिश में है कांग्रेस के सितारे? लगता है इन दिनों कांग्रेस पार्टी के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाल ही में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कहा था। अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। अब जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने मंगलवार को एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा, चौधरी गारू राम और पूर्व विधायक ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सभी 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने का फैसला लिया है। इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक संयुक्त त्याग पत्र सौंपा है। खास बात ये रही कि इन सभी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने कहा कि हम खुश हैं कि आजाद अपनी पार्टी बना रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने एक बार भी हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। हम अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते थे लेकिन किसी को हमारी सुनने की कोई इच्छा नहीं थी। अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया, वो भी हमारी यानी कि आजाद की पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ तक कि सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ आना चाहते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई बड़े नेताओं के कांग्रेस इस्तीफा देने पर अब गुलाम नबी आजाद की भी प्रतिक्रिया आई है। आजाद ने कहा, सभी ने मेरे लिए इस्तीफा दिया है, सभी मेरे साथ हैं, कांग्रेस को अभी और कई झटके लगेंगे। बता दें कि पिछले काफी लंबे वक्त से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने पिछले हफ्ते ही कांग्रेस इस्तीफा दिया था। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। आजाद ने कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे और विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की हालत इस समय काफी खस्ता हो गई है। 17 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है लेकिन उससे पहले ही तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस से अपना नाता तोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति इस समय बेहद ही खराब है। अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।